हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे होने वाले ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाती पर डे मैं एक वीडियो देने का प्रयास करूँगा, और इससे पहले पार्ट 5 तक वीडियो मैं डाल चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसे देख लें इसके बाद इसे देखें। और मेरी प्रयास है कि कुछ एमसीक्यू चैप्टर वाइज करा दें, कुछ नीमी से करा दें, मैंने मिक्स सभी तरह से सॉल्व करते रहेंगे जब तक मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होती है। तो अगर मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ताइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या कार्य होती है? तो डीसी मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। तो केवल हम राइट ऑप्शन को देखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो हमारा डीसी मोटर होती है वो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो होती है वो क्या दर्शाती है? तो फ्लेम के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो होती है अंगूठा, वो लगने वाले बल की दिशा या चालक की घुमाव की दिशा को दर्शाती है। अंगूठा जो होती है चालक की घुमाव दिशा, यानी कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा इसका। और मध्यमा जो उंगली होती है विद्युत धारा, और तर्जनी उंगली जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वेव वाइंडिंग में समानांतर परिपथों की संख्या कितनी होती है? तो वेव वाइंडिंग में जो समानांतर परिपथों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, संट मोटर को चलाया जा सकता है? जो संट जो मोटर होती है वो लोड रहित अवस्था में चलाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो 4th का होगा ए के साथ चला जाएगा। संट मोटर को लोड रहित अवस्था में चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डीसी मोटर कितने प्रकार के होती है? क्वेश्चन नंबर 5 है, डीसी मोटर कितने प्रकार से होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, और डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, और कौन कौन होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी संट मोटर होती है, और डीसी कंपाउंड मोटर होती है। इससे पहले हम मोटर के ऊपर, डीसी मोटर के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न उसमें दूर हो जाएगी आपको देखने के बाद, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो है, उसका पीडीएफ भी बहुत अच्छा है, आप चाहे तो उसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस मोटर का स्टार्टिंग में टॉर्क अधिक होती है? तो 6th का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, डीसी सीरीज मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग के समय टॉर्क बहुत अधिक होती है, और इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग में टॉर्क बल जो होती है वो प्रारंभिक टॉर्क से 10 गुना अधिक होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो संट मोटर होती है वो 1.5 गुना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डीसी जो सीरीज मोटर होती है उसका उपयोग हम लोग क्रेन में करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसके अलावा पुरानी रेल इंजन, लिफ्ट आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसे जरूर नोट्स कॉपी में अपनी ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डीसी संट मोटर की फील्ड डॉट डॉट होती है? तो डीसी संट मोटर का जो फील्ड होती है उसमें पतले
तार और अधिक लपेटे होती हैं? तो एक क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, पतले तार और अधिक लपेटे जो ऑप्शन है सी, इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डीसी मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, डीसी मोटर का जो स्टार्टर होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 प्रकार से हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सभी क्वेश्चन को एकदम हम आसानी से सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक पीडीएफ को अच्छा से एडिटिंग करके लिखता हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो यही मेहनत का फल हम लोग का मिलता है, आप लोगों का लाइक कमेंट, ठीक है। तो ये सब में पैसा नहीं लगता है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनबीसी का पूरा नाम क्या होती है? तो एनबीसी का जो पूरा नाम होती है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो नो वोल्ट कोयल, यानी कि नो वोल्ट कोयल जो है कौन सा ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है नो वोल्ट कोयल, इसका बी ऑप्शन को टिक करेंगे, 10वां का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ओएलसी का पूरा नाम। तो ओएलसी का जो पूरा नाम होती है ओवर लोड कोयल होती है, यानी कि 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी के साथ चलाया जाएगा, ओवरलोड कोयल होती है ओएलसी का पूरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दो बिंदु द्वारा जो स्टार्ट नियंत्रित की जा सकती है वो, इसका राइट आंसर जो 12 का हो जाएगा, सीरीज मोटर को नियंत्रित की जा सकती है दो बिंदु स्टार्ट के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 12 का, सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मोटर की शुरुआत में विरोधी ईएमएफ का मान होता है, यानी कि जो मोटर के शुरुआत में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान जो होती है कितनी होती है ये बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा 13 का वो सी हो जाएगा, 0 होती है। और विरोधी बल का अन्य जो नाम होती है इसे बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ, विरोधी ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। तो ये इनका 2-3 नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 0 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बैक ईएमएफ का मान सदा सप्लाई ईएमएफ से .. होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, बैक ईएमएफ का जो मान होता है वो सप्लाई ईएमएफ से सदैव कम होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 14 का बी हो जाएगा, बी को हम टिक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, ठीक है। इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए इसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके देंगे इसका, डीसी मोटर के ऊपर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, डीसी मोटर को कौन सी ऊर्जा प्रदान की जाती है, यानी कि उसका इनपुट में कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो जो डीसी मोटर होती है उसको हम इनपुट में उसको हम डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी देती है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा देती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? 16 का जो राइट आंसर होगा वो शंट मोटर को, डीसी शंट मोटर को स्थिर गति वाली मोटर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा 16 का वो बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वह डीसी मोटर जिसमें शंट और सीरीज दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है, तो उस मोटर को किस मोटर के नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो सी के साथ चला जाएगा, कंपाउंड मोटर के नाम से जाना जाता है जिसमें शंट और सीरीज दोनों प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कंपाउंड मोटर कितने प्रकार से होते हैं? तो कंपाउंड मोटर जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट जो होती है
कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर और सेकंड जो होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसको ध्यान में रखिएगा, कंपाउंड मोटर जो होती है मुख्यतः दो प्रकार से होती है, इसलिए 18 का जो राइट ऑप्शन जो होगा बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डीसी मोटर की रेटिंग किस में मापी जाती है। तो डीसी जो मोटर होती है उसकी रेटिंग जो होती है वो एचपी में मापी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी के साथ चला जाएगा, 19 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर में बाहरी आवरण की आवश्यकता डॉट डॉट क्या होती है। तो डीसी मोटर का जो बाहरी आवरण होती है उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, डीसी मशीन के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो डीसी मशीन के जो बाहरी आवरण को हम योक के नाम से जानते हैं, जो कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और योक जो होती है मशीन के बाहरी बॉडी को कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य जो होती है आंतरिक भागों की रक्षा प्रदान करने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाएं प्रदान करती है। और यह जो योक जो होती है वो कास्ट आयरन तथा कास्ट स्टील से बनी होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भंवर धारा हानि को कम करने का उपाय क्या है। तो भंवर धारा का हानि को कम करने का जो उपाय है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी क्या उपाय करने की विधियाँ हैं वो बतानी है। तो भंवर धारा का हानि को कम करने के लिए हम लेमिनेट आर्मेचर कोर का उपयोग करते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा इसका ए के साथ चला जाएगा, ठीक है, 22 का, ठीक है, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, योक किस पदार्थ का बना होता है। तो अभी हम इस के बारे में ऊपर में जाने थे, योक जो होती है वो ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन से बनी होती है। कास्ट आयरन का मतलब होती है ढलवा लोहा या कच्चा लोहा से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी के साथ चला जाएगा, 23 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत रेल में किस मोटर की उपयोग की जाती है। विद्युत रेल में किस मोटर डॉट डॉट उपयोग की जाती है, यानी कि जो विद्युत रेल होती है उसमें किस प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 24 का वो ए होगा, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर में ही जान चुके हैं कि डीसी सीरीज मोटर का रेलवे, क्रेन आदि में उपयोग किया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर निर्भर नहीं करता है। तो नहीं करता है ये पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी के साथ चला जाएगा। भंवर धारा और जो हिस्टेरिस लॉस होती है, हिस्टेरिस क्षति जिसको बोलते हैं, और एडी करंट लॉस, ये जो दोनों होती है वो लोड परिवर्तन पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। और कॉपर लॉस जो होती है लोड परिवर्तन पर इसका प्रभाव पड़ती है, यहाँ पर नहीं पड़ती है इस यह पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो डीसी मोटर से हमारा 25 एमसीक्यू को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और अगला चैप्टर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।